हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स मंथन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल मूवमेंट का फेज जो कि 1905 से 1909 तक था, जिसे कि ईरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म भी बोलते हैं। सो बिकॉज हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था मॉडरेट्स का फेज जो कि 1885 से चालू हुआ था, स्पेशली आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। बट बिकॉज उनके जो काम करने के तरीके थे, उनके जो भी थे उनके काम करने के तरीके या फिर जो भी उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव थे, वो फुलफिल नहीं हो सके। सो उसे रिप्लेस करने के लिए या फिर कह सकते हैं कि एक और ट्रेंड आया एक्टिविस्ट का जो कि मिलिटेंट नेशनलिज्म था। तो देखते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ और द राइज ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म ड्यूरिंग दिस टाइम। फर्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल। सो बिकॉज ऑफ द फाउंडेशन लेड बाय द मॉडरेट्स एंड बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंट रिजेक्शन ऑफ द डिमांड्स ऑफ द मॉडरेट्स बाय द ब्रिटिशर्स, लोगों को लगने लगा कि इंडिया का जो प्रोग्रेस है वो इंडिया के साथ ही हो सकता है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ ही हो सकता है। एंड लोगों को इकोनॉमिक मिजरीज जो कि बिकॉज ऑफ द वेरियस पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड इकोनॉमिक मेजरीज फेस बाय डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल, फॉर एग्जाम्पल पेजेंट्री, द मिडिल क्लास, द वर्किंग क्लास, एवरीबडी वॉज सफरिंग अंडर द ब्रिटिश रूल। सो इंडियंस को ये रियलाइज हो चुका था कि उनका डेवलपमेंट जो है एक इंडियन गवर्नमेंट ही करा सकती है। सो ये जब जागरूकता आई तो दिस मिलिटेंट नेशनलिज्म का राइज हुआ। बिकॉज दे वॉन्टेड द मिलिटेंट नेशनलिस्ट दे वॉन्टेड टू ओवर थ्रो द ब्रिटिश रूल विद द हेल्प ऑफ द और विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द मासेस। एंड इंडियंस दे ऑल्सो ग्रेजुअली रियलाइज दैट इंस्टेड ऑफ गिविंग मोर राइट्स टू द इंडियंस द गवर्नमेंट वॉज टेकिंग अवे इवन देयर एग्जिस्टिंग वंस। देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 1897 में नाटू ब्रदर्स का ट्रायल हुआ था एंड तिलक जी को भी इम्प्रिजन कर दिया गया था अंडर द चार्जेस ऑफ सेडिशन। 1898 में आया था आईपीसी का रिप्रेसिव लॉ, दैट इज सेक्शन 124A। एंड इवन 1899 में भी नंबर ऑफ मेंबर्स इन द कोलकाता कॉरपोरेशन वर रिड्यूस्ड। इन 1904 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वॉज ब्रॉट विच इंटेंडेड टू कर्व द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। सो जो इंडिया का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच था और एक्सप्रेशन थ्रू प्रेस, उसको रेस्ट्रिक्शन करने की कोशिश किया गया। एंड इनफैक्ट 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट लाया लॉर्ड कर्जन ने, जिसके अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द यूनिवर्सिटीज ड्रास्टिकली इंक्रीज। सो ये कुछ रिप्रेसिव पॉलिसीज थे गवर्नमेंट के जो कि इंडियंस के अंदर बहुत ज़्यादा रिपल्सिवनेस लेके आया ब्रिटिशर्स को लेके। ऑल्सो द ब्रिटिश रूल वॉज नो लॉन्गर प्रोग्रेसिव सोशली एंड कल्चरली। ऑल्सो नाउ ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, लीडर्स लाइक तिलक, अरबिंदो, बिपिन चंद्र पाल, दे रिपीटेडली आस्क द नेशनलिस्ट और अर्ज द नेशनलिस्ट टू रिलाई ऑन द कैरेक्टर एंड कैपेसिटीज ऑफ द इंडियन पीपल। बिकॉज मॉडरेट्स का एक खामी ये था कि दे डिड नॉट इन्वॉल्व द मासेस। सो बट द लीडर्स लाइक तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल दे रियलाइज दैट विदाउट द मासेस नथिंग कैन बी अचीव। सो दे रिपीटेडली एग्जॉर्टेड द मासेस टू बी ए पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज एजुकेशन इतना ज़्यादा स्प्रेड हो चुका था अक्रॉस द कंट्री दैट पीपल वर एबल टू रैशनली एनालाइज द पिटफॉल्स और द ड्रॉबैक्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। नाउ इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस, कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स भी थे जो कि इंडियंस को इंस्पायर किया टू फाइट और टू कम टू ए हेड ऑन कोलिजन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल जापान का जो 1868 के बाद जो डेवलपमेंट हुआ, जापान 1868 में यहाँ पे मेजी डायनेस्टी ने रूल करना चालू किया जापान में, एंड उसके बाद से जापान का बहुत रैपिडली डेवलपमेंट हुआ। सो ये भी इंस्पायर किया इंडियंस को, बिकॉज इंडियंस को लगने लगा कि अगर एक लोकल गवर्नमेंट दैट इज़ जो अगर कोई देश की गवर्नमेंट आती है तो उसके अंडर ही प्रोग्रेस पॉसिबल है। इवन द इथोपियंस दे हंडेड ए डिफीट टू द इटालियन आर्मी इन 1896। जापान ने रशिया को हराया था 1905 में। सो ये कुछ इवेंट्स थे जो इंडियंस को इंस्पायर किए टू टेक अप द सोर्ड और टू टेक अप द मेंटल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल।
नाउ रिएक्शन टू इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन, जो कि हमने सोशल मूवमेंट के चैप्टर में भी देखा था कि बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इंटरफेरेंस ऑफ द वेस्टर्न कल्चर इन द कंट्री देयर वॉज दिस रिपल्सन अमंग द इंडियंस ऑल्सो बिकॉज द ब्रिटिशर्स दे थॉट दैट देयर कल्चर इज सुपीरियर टू द इंडियन वन. बट इंडिया को, इंडिया के जो फॉर एग्जाम्पल जो जो पर्सनैलिटी थे फॉर एग्जाम्पल स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर स्वामी विवेकानंद, उनका कहना था कि इंडियन कल्चर इज नो लेस डेवलप्ड एज कम्पेयर टू द ब्रिटिश वन. दिस थिंकर्स एक्सप्लोडेड द मिथ ऑफ वेस्टर्न सुपीरियरिटी बाय रेफरिंग टू द रिचनेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इन द पास्ट. बिकॉज उनका कहना था कि इंडिया का जो पास्ट था वो बहुत ज़्यादा ग्लोरियस था, जिसे कि हमें रिसरेक्ट करने की ज़रूरत है. एंड डिससेटिस्फैक्शन विद द अचीवमेंट्स ऑफ द मॉडर्न्स, दिस फैक्टर वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म. बिकॉज लोग थक चुके थे मॉडर्न्स से, बिकॉज द एफर्ट्स ऑफ द मॉडर्न्स वॉज नॉट यील्डिंग एनी रिजल्ट. कोई भी उनका कुछ भी जो प्रोग्राम था वो कुछ अचीवमेंट नहीं कर पा रहा था. दे वर नॉट एबल टू गेट एनीथिंग फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. सो इससे भी ज़्यादा डिसकंटेंट पैदा हो रहा था लोगों के अंदर. रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन ने भी बहुत सारे पॉलिसीज लेके आया जिससे कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश पैदा होने लगा. फॉर एग्जाम्पल कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट जो हमने देखा, दैट इंडियन मेंबर्स वर रिड्यूस, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट जो कि स्ट्रैंगल होल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था ब्रिटिशर्स का, एंड ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जिससे कि उनको जेल कर दिया जाता था. इनफैक्ट जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था वो भी बहुत ज़्यादा एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट करने में कामयाब रहा इंडियंस के अंदर. नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ ए मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट, जो इंडियंस थे फॉर एग्जाम्पल पीपल लाइक राजनारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्त और अरविंद घोष, इनका जो मेंटेलिटी था ये शुरू से ही दे एडवोकेटेड ए मोर मिलिटेंट अप्रोच टू पॉलिटिकल वर्क एज कम्पेयर टू द मॉडरेट्स. मॉडरेट्स क्या थे, बहुत शांत स्वभाव के लोग थे, दे यूजली फॉलोड द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल और लॉ. बट ये जो मॉडरेट्स जो एक्सट्रीमिस्ट थे, इनका जो अप्रोच था वो बहुत ज़्यादा मिलिटेंट था. ये बहुत फिजिकल वायलेंस में भी थोड़ा बिलीव कर सकते थे. द बेसिक नीड जो था ये स्कूल का, ये फॉर एग्जाम्पल ये था हेटेड फॉर फॉरन रूल. इनका ये जो मेन मुद्दा था कि हमें ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में हेटेड पैदा करना है लोगों के अंदर. इनका जो गोल था स्वराज का गोल था, एंड दे बिलीव इन डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन लाइक ओवरथ्रोइंग ऑफ द ब्रिटिश रूल, दिस निकाल देना चाहते थे उनको. दे ऑल्सो हैड मोर बिलीव इन द कैपेसिटी ऑफ मासेस एज कम्पेयर टू द मॉडरेट्स, एंड देवर ऑल्सो लाइक वो मर मिटने के लिए भी रेडी थे. फॉर एग्जाम्पल देवर मेडी रेडी टू मेक पर्सनल सेक्रीफाइसेस ऑल्सो. अभी देखते हैं यहाँ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट. सो इसी टाइम क्या हुआ, 1905 में हमें पता है कि बंगाल का विभाजन हुआ था, तो इससे भी बहुत ज़्यादा रिपल्सिवनेस आ गया इंडियंस के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेके. बिकॉज इंडियंस समझने लगे थे कि ब्रिटिशर्स बंगाल को डिवाइड क्यों कर रहा है. तो जो ऑफिशियल रीज़न था ब्रिटिश गवर्नमेंट का टू डिवाइड द बंगाल वो ये था कि बंगाल बहुत बड़ा हो चुका है. द बंगाल हैड ए पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 78 मिलियन, विच वॉज वेरी कम्बरसम टू एडमिनिस्टर. सो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स के लिए ब्रिटिशर्स ने इसे डिवाइड किया, ये उनका मान ब्रिटिशर्स का मानना था. द ब्रिटिशर्स बिलीव दैट पार्टीशन वुड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ असम. बट जो रियल मोटिव था बंगाल के विभाजन या फिर पार्टीशन के लिए वो यह था कि ब्रिटिश बंगाल को वीक करना चाहते थे. बिकॉज बंगाल वॉज द नर्व सेंटर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. बंगाल वॉज बिकमिंग द लाइक द न्यूक्लियस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. यहाँ पर ही बहुत सारे नेशनलिस्ट हो रहे थे, एंड इनिशियली द ब्रिटिश रूल वॉज ऑल्सो डोमिनेंट अराउंड दिस रीजन ओनली. एंड जो कर्जन का जो मेन मोटिव था वो रिलीजन का भी था, दैट ईस्ट बंगाल जो था वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, एंड जो वेस्ट बंगाल था वो बेसिकली हिंदू डोमिनेटेड एरिया था. तो जो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हम बंगाल को रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज ईस्ट बंगाल वुड गो टू द मुस्लिम्स हु द ब्रिटिश वर्स प्रॉपिंग ऑफ एज द वेपन अगेंस्ट द ग्रोइंग इंडियन नेशनलिज्म. मोर एवर जो वेस्ट बंगाल का जो एरिया था, यहाँ जो बंगाली नेशनलिस्ट थे उसे भी यहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज
बिहार एंड उड़ीसा भी अलग हो जाएगा एंड यहाँ बंगाल भी अलग हो जाएगा जो बंगाली डोमिनेटेड एरिया था. सो दिस वॉज द मेन एजेंडा ऑफ द ब्रिटिश पीपल और द ब्रिटिश रूलर बिहाइंड द डिवीजन और द पार्टीशन ऑफ द बंगाल. सो जब एंटी पार्टीशन मूवमेंट लॉन्च किया गया स्पेशली इट ग्रू आफ्टर 1903 जब ब्रिटिश का जब उन्होंने डिसाइड किया कि हम बंगाल को डिवाइड करेंगे. सो पीपल लाइक सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए थे, के मित्रा, पृथ्वी चंद्र रे, दिस पीपल प्रोवाइडेड द इनिशियल लीडरशिप इन द एंटी पार्टीशन मूवमेंट. एंड उनके जो न्यूज़पेपर थे फॉर एग्जांपल हिताबादी, संजीवनी, बंगाली, इन्होंने भी इसके थ्रू उन्होंने बहुत ज़्यादा इसे प्रोपागेट किया एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट. द गवर्नमेंट अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन जुलाई 1905. सो ऑन 7 अगस्त 1905 विद द पैसेज ऑफ द बॉयकॉट रेजोल्यूशन इन ए मैसिव मीटिंग हेल्ड इन कोलकाता टाउन हॉल द फॉर्मल प्रोक्लामेशन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट वॉज मेड. सो स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च ऑन दिस डे 7 अगस्त 1905. एंड एक एडिशनल एग्जाम्पल, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने नेशनल हैंडलूम डे भी लॉन्च किया था जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अभी हाल ही में इसे सेलिब्रेट किया गया था, नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त 1905. एंड टू कमोमरेट द स्वदेशी मूवमेंट अभी नेशनल हैंडलूम डे भी मनाया गया था जो कि कुछ सालों पहले लॉन्च किया गया था. सो ऑन 16 अक्टूबर 1905 इस डेट पे द पार्टीशन ऑफ द बंगाल बिकेम फॉर्मल. ओके, सो इस दिन डिवाइड हो गया. सो इस दिन लोगों ने बहुत अनेक और विभिन्न तरीके से इस मूवमेंट को या फिर इस जो पार्टीशन है उसे अपोज करने के लिए दे डिवाइस न्यू एंड न्यू वेज. फॉर एग्जांपल कुछ लोगों ने बेयर फुट प्रोसेशन निकाला वंदे मातरम गाते हुए, कुछ लोगों ने एक दूसरे के हाथों में राखी टाई किया टू शो दैट वी आर टू शो द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमंग द इंडियंस. एंड सून द मूवमेंट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री लाइक इन पुणे एंड बॉम्बे जो कि बॉम्बे रीजन था, इट वॉज अंडर तिलक. इन पंजाब इट वॉज लेड बाय लाला लाजपत राय, अजीत सिंह. इन दिल्ली इट वॉज लेड बाय सैयद हैदर रजा एंड इन मद्रास अंडर चिदम्बरम पिल्लई. सो दिस इज हाउ द मूवमेंट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो देखते हैं यहाँ कांग्रेस का पोजीशन क्या था इस मुद्दे पे. द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन ए मीटिंग हेल्ड इन 1905 अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ गोखले, इन्होंने यहाँ रिजॉल्व किया, इन्होंने क्या किया, इसे कंडेम किया इस पार्टीशन को एंड दे सपोर्टेड द एंटी पार्टीशन एंड द स्वदेशी मूवमेंट. सो हमें इसे याद रखना है दैट कांग्रेस सपोर्टेड द एंटी पार्टीशन मूवमेंट. इनफैक्ट द मिलिटेंट नेशनलिस्ट लाइक तिलक, लाल लाजपत राय जी, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, दे वॉन्टेड टू टेक द मूवमेंट आउटसाइड बंगाल. वो बंगाल के बाहर लेना चाहते थे एंड बियॉन्ड ए बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स. सो उनका जो एजेंडा था इन पर्सनैलिटीज़ का, ये चाहते थे कि इसे किसी तरीके से बड़ा किया जाए इस मूवमेंट को. बट जो मॉडरेट्स थे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ, वो चाहते थे कि इसे बंगाल के अंदर ही सीमित रखा जाए. इन 1906 यहाँ जो INC का जो कलकत्ता सेशन था INC का 1906 में अंडर दादा भाई नरोजी, यहाँ कांग्रेस ने डिक्लेयर किया द गोल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज. सो फर्स्ट टाइम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कांग्रेस ने जो स्वराज का जो गोल है उसे अपना एम बनाया 1906 के कलकत्ता सेशन में. द मूवमेंट अंडर द एक्सट्रीमिस्ट लीडर. सो आफ्टर 1905 द एक्सट्रीमिस्ट एक्वायर डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ओवर द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल. क्यों? बिकॉज जो मॉडर्स थे उनके जो भी इनके हथकंडे थे या जो भी तरीके थे उससे कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला था. प्लस जो गवर्नमेंट का जो डिवाइसिव टैक्टिक्स था जो कि लॉर्ड कर्जन का जो रिप्रेसिव पॉलिसी था वो बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर आक्रोश पैदा कर चुका था. अभी देखते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट के जो प्रोग्राम थे. द एक्सट्रीमिस्ट बिलीव इन ए मैथड कॉल्ड पैसिव रेजिस्टेंस. यहाँ देख सकते हैं आप, अरविंद जी ने बोला था. इसका मतलब क्या होता है कि न कि बस स्वदेशी का प्रीच किया जाएगा या फिर जो बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स है वो किया जाएगा, हमें क्या करना है, इसे गवर्नमेंट का जो फंक्शनिंग है उसे इम्पॉसिबल करना है. कैसे? लाइक बाय बॉयकॉटिंग द गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, गवर्नमेंट सर्विसेज, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, म्यूनसिपल गवर्नमेंट एट्सेट्रा.
सो द गवर्नमेंट को हमें फंक्शन करने नहीं देना है, ये उनका मानना था अंडर द मेथड ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर प्रेजेंट कंडीशंस इम्पॉसिबल. गवर्नमेंट फंक्शन ही नहीं कर पाए, हमें ऐसे सिचुएशन क्रिएट करने हैं. सो इस मूवमेंट के दौरान बहुत सारे न्यू फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल भी हमें देखने को मिले. फॉर एग्जाम्पल यहाँ बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स तो हमने देखा, पब्लिक मीटिंग्स एंड प्रोसेशंस ये भी बहुत सारे इसमें निकाले गए, जो जुलूस होता है टू अपोज और टू बॉयकॉट द ब्रिटिश गुड्स ऑल्सो एंड टू अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल. कॉर्प्स ऑफ वॉलंटियर्स और समितिज, जो स्वदेश बंदेव समिति था अश्विनी कुमार दत्त जी का, इसने भी एक नया तरीका निकाला मास मोबिलाइजेशन के लिए. द समितिज जनरेटेड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंग द मासेस थ्रू मैजिक लैंटर्न लेक्चर. सो जो रात को जो अंधेरे में जो लैंटर्न के अंडर लोगों को नेशनलिस्ट का या देशभक्ति का ऊपर लेक्चर दिया जाता था थ्रू स्वदेशी सॉन्ग्स, एंड जो इंडियंस थे उसे उन्हें फिजिकल एंड मॉरल ट्रेनिंग भी दिया जाता था. इमेजिनेटिव यूज ऑफ ट्रेडिशनल पॉपुलर फेस्टिवल्स एंड मेलास. फॉर एग्जाम्पल यहाँ तिलक जी का जो गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल था महाराष्ट्र रीजन में, इसके थ्रू उन्होंने देशभक्ति को जागरूक करने की कोशिश किया लोगों के अंदर. एम्फोसिस गिवन टू सेल्फ रिलायंस, ये क्वेश्चंस मेंस में भी आ चुका है यहाँ, सेल्फ रिलायंस का. सेल्फ रिलायंस और आत्मशक्ति वॉज एनकरेज. सो इससे क्या था, रीजनरेशन ऑफ विलेज, लाइक हमें आत्मनिर्भर बनना है, ये एक मेन मोटिव था इस वे ऑफ मास मोबिलाइजेशन का. तो इसका जो ये इंक्लूडेड सोशल रिफॉर्म एंड कैंपेन्स अगेंस्ट कास्ट, अगेंस्ट अर्ली मैरिजेस, डाउरी सिस्टम. सो ये कुछ कुछ सोशल चीज़ें थी. नाउ प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन, हमें इस दौरान ये भी देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट तो दैट इंडियंस ने नेशनल एजुकेशन भी प्रमोट करने का कोशिश किया. फॉर एग्जाम्पल पीपल लाइक अरविंद घोष, टैगोर जी ने भी यहाँ पे कुछ इस एजुकेशन प्रमोट करने की कोशिश की. ऑन अगस्त 15, 1906 द नेशनल एजुकेशन द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वॉज सेटअप टू ऑर्गेनाइज द सिस्टम ऑफ एजुकेशन ऑन नेशनल लाइन्स अंडर नेशनल कंट्रोल. एंड यहाँ वर्नाकुलर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था. स्वदेशी और इंडिजिनस एंटरप्राइजेस, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने एंटरप्राइजेस भी खोले ताकि डिसर्स का जो गुड्स है वो कम सेल हो या फिर लोग उसके तक ना जाएं. हमें इस मूवमेंट का जो इम्पैक्ट है वो कल्चरल स्पीयर में देखने को मिलता है थ्रू सॉन्ग्स, थ्रू पोएम्स, थ्रू पोइट्री, थ्रू पेंटिंग्स. तो यहाँ पे कुछ नाम्स हैं, रविंद्रनाथ जी टैगोर, रजनीकांत जी का भी नाम है, दुजेंद्र लाल रे, मुकुंद दास, सैयद अबू अहमद, इन लोगों ने बहुत इंस्पायरिंग सॉन्ग्स लिखे थे स्पेशली ऑन नेशनलिज्म, ताकि लोगों के अंदर ब्रिटिश रूल को लेकर एक नेशनलिस्ट भावना, ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक जो सोच है वो जागे. अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने भी यहाँ थ्रू आर्ट ही प्रीच नेशनलिज्म. नंदलाल बोस, ही वॉज द फर्स्ट रेसिपियंट ऑफ ए स्कॉलरशिप ऑफर्ड बाय द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट विच वॉज फाउंडेड इन 1907. तो हमें इन कुछ नामों को, इन कुछ चीज़ों को याद रखना है, यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं ये चीज़ें. तो यहाँ देखते हैं कि जो नेशनलिस्ट और जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट था उनका जो एम था मास पार्टिसिपेशन का वो किस हद तक सक्सेस रहा. स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, दे बॉयकॉटेड देयर कॉलेजेस, स्कूल्स ऑल्सो. यहाँ तक उन्होंने गवर्नमेंट ने भी थ्रेटन किया कि जो भी वॉज फाउंड ऑफ गिल्टी ऑफ पार्टिसिपेशन दे कुड बी डिसक्वालीफाइड फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स ऑल्सो. यहाँ हमने फर्स्ट टाइम देखा कि यहाँ वुमेन स्पेशली अर्बन मिडिल क्लास वुमेन का जो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहा. एंड जो मुस्लिम्स थे उन्होंने कुछ हद तक पार्टिसिपेट किया बट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन नहीं था बिकॉज ऑलरेडी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिवाइड एंड रूल का बीज उन्होंने बो दिया था ऑलरेडी. प्लस जो मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था वो भी ऑलरेडी बन चुका था 1905 में, 30 दिसंबर 1905, विच वॉज मेनली वर्किंग फॉर द सेफगार्ड ऑफ द मुस्लिम इंटरेस्ट एंड द गवर्नमेंट वॉज यूजिंग दैम अगेंस्ट द हिंदू नेशनलिस्ट ऑल्सो. सो जो कम्युनलिज्म यहाँ पर थोड़ा आने लगा था. यहाँ हमने ऑल इंडिया एस्पेक्ट देख चुका है क्योंकि जो
बंगाल के बाहर जो मूवमेंट गया था, तो इससे क्या होता है कि इससे नेशनल मूवमेंट ओवरऑल उसे एक बहुत ज़्यादा इम्पेटस मिला, उसे एक पुश मिला अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। द जो पार्टीशन था बंगाल का विभाजन वो 1911 में उसे गवर्नमेंट ने रिवोक कर दिया, इट वॉज एनल्ड इन 1911 टू कर्ब द मेनासे ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। सो हमें इस चीज़ को याद रखना है दैट वाई वॉज द पार्टीशन बंगाल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल एनल्ड टू कर्ब द मेनासे ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। एंड 1911 में ही जो कैपिटल था इंडिया का उसे शिफ्ट किया गया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली ब्रिटिश गवर्नमेंट का। बिहार एंड बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वे टेकन आउट ऑफ बंगाल एंड असम वॉज मेड ए सेपरेट स्टेट। सो देखते हैं अभी इवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश इवोल्यूशन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, ये किस हद तक सक्सेस रहा या फिर ये क्या क्या चीज़ अचीव किया। मूवमेंट हालांकि बहुत जल्दी फिजल आउट हो गया बिकॉज गवर्नमेंट ने बहुत हार्ड तरीके से नेशनलिस्ट के ऊपर कार्रवाई किया। द गवर्नमेंट रिप्रेशन वॉज वेरी सीवियर। इनफैक्ट बहुत सारे नेशनलिस्ट जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे वो जेल के अंदर जा चुके थे एंड कुछ लोग इंडिया के अंडरग्राउंड भी हो चुके थे इस टाइम तक। इनफैक्ट अरविंद घोष एंड बिपिन चंद्रपाल दे वेर रिटायरिंग फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स ऑल्सो। प्लस जो इंटरनल स्क्वाबल्स था, आंतरिक जो झगड़ा था नेशनलिस्ट स्पेशली मिलिटेंट नेशनलिस्ट के अंदर में, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी ये होने लगा था बिकॉज वी विल सी दिस सूरत स्प्लिट ऑफ 1907। ये एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इवेंट है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, सूरत स्प्लिट। तो मूवमेंट किस तरीके से टर्निंग पॉइंट बना ये देखते हैं। मूवमेंट का एक सक्सेस ये था कि ये बहुत सारे जो क्लासेस थे जो कि इससे पहले जो नेशनलिस्ट मूवमेंट के हवे से अछूते थे, उन्हें इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, वुमेन्स वर्कर्स एंड सम सेक्शंस ऑफ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन ऑल्सो दे पार्टिसिपेटेड ह्यूजली इन दिस मूवमेंट। एंड मूवमेंट बहुत अनेक तरीकों से मास मोबिलाइजेशन किया गया, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत की गई, फॉर एग्जाम्पल बाई यूज ऑफ आर्ट लिटरेचर साइंस इंडस्ट्री ऑल्सो। एंड द मूवमेंट वॉज ए ह्यूज सक्सेस इन अंडरमाइनिंग द हेजेमोनी ऑफ द कॉलोनियल आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस। लोगों के अंदर एक भावना आने लगी थी कि वी कैन ऑल्सो फाइट द ब्रिटिश रूल। यहाँ इस बॉक्स में डिफरेंसेस दिए गए हैं मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, तो इसे हम देख लेंगे। एक एक्सट्रीमिस्ट का ये एक ड्रॉबैक था कि उनका जो आइडियोलॉजी था, जो फंक्शनिंग था, इट लैक्ड कंसिस्टेंसी बिकॉज उनके जो लीडर्स थे, फॉर एग्जांपल यहाँ अरविंदो जी थे, तिलक जी थे, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, दे हैड डिफरेंट परसेप्शंस ऑफ देयर गोल। कोई चाहता था कि कंप्लीटली ओवरथ्रो कर दिया जाए ब्रिटिश गवर्नमेंट को। समबडी वॉन्टेड टू बी एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट लाइक सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द ब्रिटिश रूल। तो उनका कुछ अलग अलग परसेप्शन था स्वराज को लेके। एंड जो तिलक जी ने जो गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल्स लेके आया था, तो इससे क्या हुआ कि इससे कम्युनलिज्म का भी वो थोड़ा बहुत बढ़ावा मिला बिकॉज द मुस्लिम क्लास वॉज लेफ्ट आउट ऑफ दिस ऑल दिस थिंग्स ऑफ प्रीचिंग और ऑफ प्रोपागेटिंग नेशनलिज्म। अभी देखते हैं सूरत स्प्लिट, ये एक बहुत ही लैंडमार्क इवेंट है इंडिया के इतिहास में। तो रन अप टू द सूरत स्प्लिट, इससे सूरत स्प्लिट के को पहले जो इवेंट्स हुए उसे जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। इन दिसंबर 1905 गोखले जी के अंदर के अंडर में बनारस सेशन में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, द differences came to the fore between the moderates and the extremists. The extremists wanted to boycott extend the boycott and Swadeshi movement to the region outside Bengal. So हमने पहले देखा कि जो militants थे वो चाहते थे कि जो इसे pan India बनाया जाए इस Swadeshi movement को, but जो moderates थे they wanted to limit it within Bengal. और उनका जो बहुत उसे चाहते थे कि narrow ही रहे ना कि nationwide mass movement बने।
ये एक मेन डिफरेंस था उनके अंदर. एंड मॉडरेट्स ऑल्सो एडवोकेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टिसिपेशन ऑफ बंगाल. सो वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, नहीं चाहते थे कि जो उनका जो यूज नॉर्मल मेथड था प्रेयर पिटिशन प्रोटेस्ट वाला वो ही चले. तो जो कलकत्ता सेशन था कांग्रेस का 1906 में, हियर इसमें क्या हुआ, द एक्सट्रीमिस्ट वॉन्टेड आइदर तिलक और लाला लाजपत राय एज देयर प्रेसिडेंट व्हाइल द मॉडरेट्स प्रपोज द नेम ऑफ दादा भाई नौरोजी. चूंकि दादा भाई नौरोजी सीनियर मेंबर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की एंड ही वॉज वाइडली रेस्पेक्टेड, सो ही वॉज गिवन द प्रेसिडेंटशिप ऑफ दिस कलकत्ता सेशन. तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ जो कांग्रेस ने सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज्य का जो गोल था उसे फर्स्ट टाइम डिक्लेयर किया. ऑल्सो ए रेजोल्यूशन सपोर्टिंग द प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन वॉज पास. तो सो चार चीज़ें यहाँ पे, रेजोल्यूशन ऑन स्वराज, स्वदेशी बॉयकॉट एंड नेशनलिज्म, ये चार चीज़ें हमें बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, हमें इसे याद रखना है. तो इसमें अभी क्या हुआ, अभी क्योंकि मूवमेंट बढ़ रहा था या मूवमेंट आगे जा रहा था तो जो एक्सट्रीमिस्ट का होल्ड था वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था. एंड एक्सट्रीमिस्ट उन्हें लगने लगा कि लोग भी तैयार हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए. तो अभी जो नेक्स्ट जो कांग्रेस का सेशन हुआ, द एक्सट्रीमिस्ट वॉन्टेड जो 1907 में हुआ, द एक्सट्रीमिस्ट वॉन्टेड द 1907 सेशन टू बी हेल्ड इन नागपुर विद तिलक और लाजपत राय एज देयर प्रेसिडेंट along with the reiteration of the जो चार जो उन्होंने थे स्वराज स्वदेशी बॉयकॉट एंड नेशनल मूवमेंट की, वो भी चाहते थे कि यहाँ पे भी वो चीज़ कांग्रेस के सेशन में पास किया जाए. बट जो मॉडरेट्स थे वो चाहते थे कि उनका जो प्रेसिडेंट बने वो राज बिहारी घोष जी बने. एंड दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ड्रॉप द रेजोल्यूशंस व्हिच वर पास इन द 1906 सेशन. सो यहाँ एक मेजर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी और मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच में आने लगा. इनफैक्ट 1997 से पहले भी गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि वी विल ब्रिंग अनदर लेजिस्लेशन काउंसिल रिफॉर्म्स. तो जो काउंसिल रिफॉर्म्स का सुनते ही मॉडरेट्स सोचने लगे कि दिस इज़ ए अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज द ड्रीम ऑफ इंडियन पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन विच वॉज कम्प्लीटली इन अपोज टू द नेशनलिस्ट और टू द मिलिटेंट नेशनलिस्ट. तो इससे क्या हुआ, इससे द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट दे केम टू एट लॉगर हेड्स वो हेड ऑन कोलिजन की तरफ बढ़ने लगे वो. तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट रिप्रेशन. तो गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा द गवर्नमेंट केम हैवीली ऑन द एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट ऑल्सो बिकॉज जो भी जो उनका जो एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी था नेशनल एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट का उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को चेक करना था. इनफैक्ट तिलक जी यहाँ अरेस्ट भी हुए थे एंड इन 1909 ही वॉज ट्राइड फॉर सेडिशन. जो उन्होंने मुजफ्फरपुर जो बॉम्ब केस हुआ था उनके बारे में जो लिखा था उन्होंने केसरी जो उनका न्यूज़पेपर था केसरी यहाँ पे. आफ्टर 1908 द नेशनल मूवमेंट एज ए होल डिक्लाइन फॉर ए टाइम. तो देखते हैं गवर्नमेंट का स्ट्रेटजी क्या था. जो गवर्नमेंट का स्ट्रेटजी था इस होल नेशनलिस्ट मूवमेंट को रोकने का था वो था देयर पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक. तो इसका जो मेन मुद्दा था वो क्या था, गवर्नमेंट पहले एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर फोर्स यूज़ करके मॉडरेट को डराएगी. देन द मॉडरेट्स विल बी प्लैकेटेड और देयर फियर्स विल बी असवाज्ड थ्रू सम कंसेशंस एंड लाइक काउंसिल रिफॉर्म्स एंड ऑल. एंड जब मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट से दूर हो जाएंगे देन द गवर्नमेंट विल वाइप आउट द एंटायर एक्सट्रीमिस्ट. तो ये गवर्नमेंट का जो कैरेटन पॉलिसी था ये था थ्री फेज वाला. अभी देखते हैं हम यहाँ मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स जो कि 1909 में आया. दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट
रिफॉर्म बाय द गवर्नमेंट एंड दिस इज द शॉर्टली मोस्ट शॉर्टली काउंसिल रिफॉर्म बाय द गवर्नमेंट बिकॉज नेक्स्ट जो आता है मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स वो 1919 में आता है. सो ये हार्डली 10 साल ही टिका रहा बस ये मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म ये मॉर्लेमेंट्री रिफॉर्म्स. इन अक्टूबर 1906 ए ग्रुप ऑफ मुस्लिम एलिट्स कॉल्ड द सिमला डेपुटेशन लेड बाय आगा खान उन्होंने लॉर्ड मिंटो को अप्रोच किया डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स लाइक दैट जो जितने भी मुस्लिम्स के जो इलेक्टेड होंगे काउंसिल में उसके लिए वोट बस मुस्लिम्स ही करेंगे ये उनका डिमांड था. तो गवर्नमेंट ने भी इसे अप्रूव किया क्योंकि द गवर्नमेंट वॉन्टेड टू यूज़ द मुस्लिम्स फॉर देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट अगेंस्ट द नेशनलिस्ट. तो जो नेशनलिस्ट रैंक में गवर्नमेंट का मेन मुद्दा था नेशनलिस्ट जो नेशनलिज्म को या फिर जो नेशनलिस्ट फेस था उसे डिवाइड करने का. तो देखते हैं यहाँ मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो जो 1909 में आया उसके क्या था इलेक्टिव प्रिंसिपल वॉज रिकॉग्नाइज. सो फर्स्ट टाइम यहाँ इलेक्शन को रिकॉग्नाइज किया फॉर द नॉन ऑफिशियल मेंबरशिप ऑफ काउंसिल्स इन इंडिया. इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स फॉर इलेक्शन टू द सेंट्रल काउंसिल. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज दिस मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स इज नोन स्पेशली फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट्स. The number of elected members in the Imperial Legislative Council and the PLC were also increased, but in PLC non-official majority was introduced. ये कुछ important points हैं इसके. And elected members were to be elected indirectly. अजीब नहीं है. And one Indian was to be appointed to the Viceroy's Executive Council. So Satendra Sinha ji jo the, he was the first Indian to be appointed in the Viceroy's EC in 1909. तो ओवरऑल ये जो मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स था इससे ज़्यादा कुछ ही अचीव करने के लिए या फिर ज़्यादा कुछ इंडियंस के फेवर में ये कुछ काम नहीं किया बिकॉज दिस रिफॉर्म्स वर मेनली एम्ड एट डिवाइडिंग द नेशनलिस्ट रैंक्स स्पेशली जो यहाँ जो सेपरेट इलेक्टोरेट जो हुआ उससे कम्युनलिज्म भी बढ़ा प्लस हिंदू मुस्लिम का जो डिवीजन था वो और ज़्यादा बढ़ गया. ये इस चैप्टर का समरी इस बॉक्स में फॉर क्विक रिविजन. वन कैन रिवाइज दिस बॉक्स ऑल्सो. थैंक यू.